नगरीय निकाय चुनाव में अब लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इस बार नगरीय निकाय चुनाव में आजाद मार्केट रिसाली वार्ड 24 से भाजपा प्रत्याशी प्रताप सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा पार्षद प्रत्याशी प्रताप सिंह ने न्यूज प्लस 21 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वार्ड में मुख्य रूप से विकास करेंगे, बच्चों के लिए चिल्ड्रन गार्डन बनाएंगे। इसके साथ ही सियान सदन, वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वार्ड में जरूरत के हिसाब से सभी विकास कार्य किए जाएंगे। बता दें कि नामांकन दाखिल करने के बाद अब भाजपा प्रत्याशी प्रताप सिंह मतदाताओं के घर घर जाकर लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। प्रताप सिंह लोगों से धुआंधार जनसंपर्क कर रहे हैं। सभी मतदाताओं के घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। प्रताप सिंह को वार्ड 24 से लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रताप सिंह पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। मेरा नाम प्रताप सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले युवा मोर्चा कार्यकर्ता था, फिर मंडल अध्यक्ष बना, मंडल अध्यक्ष बाद फिर मैंने भाजपा मंडल अध्यक्ष बना और आज मैं 24 नंबर वार्ड से भाजपा का प्रत्याशी हूँ। और मैंने जीवन में से काम ही किया है और आगे भी जनता 24 की मुझको आशीर्वाद देगी तो मैं काम ही करूँगा उनका। पहले तो मैं व्यक्तिगत ही काम करता था कि राजनीति में सरोज दीदी का जो आशीर्वाद था मेरे ऊपर, उसके कारण मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। जो भी नेता जो मुझको बनाया है, मेरे को इतना मतलब मुझको आगे किया है, बस उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ। आशीर्वाद मिल जाए जनता का और उद्देश्य की है विकास, एक भवन बनाना 24 नंबर वार्ड में, पूरा सीसी कैमरा से पूरे उसको मतलब 4 साइड सीसी कैमरा होना चाहिए, हाई मास्क होना चाहिए। बुजुर्गों लोगों का जो है, मैं सोचा हूँ कि एक सियान सदन बने, एक महिला भवन बने, चिल्ड्रन गार्डन बने, जो बच्चे लोगों का जैसे दादा रानी पार्क है, ये मेरा उद्देश्य है।